अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी तरह गुजरी होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तीन बड़ी पाकिस्तानी मूवीज़ का रिव्यू। पहली मूवी जो रिलीज़ हुई है वो हुई तुम अजनबी, ये दूरपा हारिया जिन्हों में दूसरा प्रोजेक्ट है, जो 2021 में खेल खेल के बाद 1971 के ढाका फॉल पर बनाया गया था। इस मूवी में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एंड बहुत फिक्शन स्टोरीज़ हैं। ये रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही है। इसके डायलॉग्स और इसकी कास्ट बहुत अच्छी है और इस फिल्म को एक्शन फिल्म कहा भी जा सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके मरकजी किरदार जो है मुकाजुल्फिकार और सादिया खान है और ये बहुत मशहूर एंकर कामरान शाहिद की डायरेक्शन पर बनी है। सेकेंड मूवी इसकी तो स्टार कास्ट में कौन नहीं जानता, इसको फवाद खान, वसीम अकरम, मुकाजुल्फिकार, आयशा उमर और मैनी मोर। लेकिन इस फिल्म के बहुत ज़्यादा मिक्स रिस्पॉन्सेज हैं। फैसल कुरैशी की डायरेक्शन में बनी हुई है लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन उनसे की जा रही हैं उस हिसाब से ये फिल्म इतनी चल नहीं रही है। लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपेटिवली हुए तो मजनबी से कि थोड़ा कम बिजनेस करेंगी। असल में होता ही ना कि फवाद खान से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हैं और जब आप किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं उतरते बेसिकली आर्टिस्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं जो कि वो लोग फेस भी करेंगे। क्योंकि ये सब स्टोरीज़ के जो रिव्यूज़ हैं इसमें ऑडियंस बिल्कुल खुश नहीं है, डायलॉग्स बहुत ज़्यादा और जो है कॉमेडी नाम की नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो, आप फवाद खान के फ़ैन हैं तो अगर आप फवाद खान के फ़ैन हैं और उनकी एक्टिंग देखना चाहते हैं क्योंकि बेसिकली बहुत टाइम हो गया उनको स्क्रीन पर आए हुए, तो आप जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बुरी भी नहीं लगेगी आप लोगों को मूवी। एक्शन पैक मूवी है, थ्रिलर है और बहुत सारे अच्छे अदाकार हैं जो हमारे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। तो होपफुली ये अच्छा बिजनेस कर जाएगा क्योंकि इसकी रेटिंग तो अच्छी चल रही है। कंपेरेटिवली रिव्यूज़ तो कुछ मिक्स ही हैं। इस मूवी को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मिक्स कमेंट्स मिले हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जो लोग पसंद कर रहे हैं वो सिर्फ स्टारकास्ट की वजह से ही पसंद कर रहे हैं और जो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं वो बेसिकली वो इसकी स्टोरी लाइन है। डायरेक्शन भी सो है लेकिन स्टोरी लाइन बहुत ऑड है। असल में फैसल कुरैशी कॉमेडी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, उनके कंटेंट हम पहले देख चुके हैं और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। वो फुली इंशाल्लाह ये मूवी काम करेगी अच्छा और जितने स्टार्स इनमें मेहनत करी है उनको पैसा वसूल ज़रूर मिलेगा। होप फॉर द बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सेकेंड स्टोरी जो सेकेंड मूवी रिलीज़ हुई है वो सोनिया स्वयं मोहसिन नवाज हैदर की दादी है, जिसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला जा रहा है और ये ऑडियंस इस मूवी को ज़्यादा पसंद कर रही है। कंपेरेटिवली तो फवाद खान और मुकाजुल्फिकार मूवी, इस मूवी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लोगों का ये भी मानना है कि सिनेमा के अलावा अगर ये OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हुई तो एक बहुत बड़ी हिट साबित हो सकती है क्योंकि इसकी कलेक्शन, इसकी मूवी स्टोरीज और इसके डायलॉग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और सोनिया सेन की अदाकारी से कौन वाकिफ नहीं है। वो तो चाहे ड्रामा हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री, वो अपना लोहा मनवा ही लेती हैं। वो बहुत ज़बरदस्त हमारी एक्ट्रेस हैं, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस भी है और ये फिल्म बहुत ज़्यादा है अच्छे रिव्यूज़ के साथ आगे जा रही है। तो गाइस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू वॉच, डू वॉच। सो गाइस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो, आप लोग ज़रूर जाके सिनेमा पर ये मूवीज़ देखें और हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें ताकि हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी आगे और मजबूत हो जैसे बाकी इंडस्ट्रीज हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई कॉन्टेंट, डू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑल्सो। लव दिस।